प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कि 3 डिजिट का मतलब है 1, 2, 3, यानी 224 एक 3 डिजिट है और इसका हमने स्क्वायर निकालना है कि कोई ऐसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे 224 आए। 224 विल कम इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इट्स सेम नंबर। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस में हमने इसको डाल दिया, 224 को जुट बना दिए हमने इस तरफ से राइट टू लेफ्ट। 24 का एक जुट है, 2 का एक सिंगल जुट है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 के साथ, 1 आता है, 2 बड़ा है। फिर 2 को 2 के साथ किया, 4 है, 4 बड़ा हो जाएगा 2 के साथ, 1 छोटा है 2 से, इसलिए 1 के ऊपर गया। We divide 2 with 1, multiply with 1, so 1 we show at here. 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 24 नीचे आ गया। अब ये जो 1 था इसका डबल कर दिया, 2, 1 गुना 2, 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया। अब इसके आगे हमने लिखा 1, 1 को गुना किया है 21 के साथ, 21 आ गया, 2 करेंगे 44 आ गया, 5 करेंगे 125 आ गया, 125, 124 से बड़ा इसके लिए इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए 24, 4 लगा के 4 के साथ गुणा करेंगे 96 आएगा, यहाँ 4 लगाएंगे 96 आएगा, 4 इसके इधर आ गया, ओके। अब डिडक्ट करेंगे, ये आ गया 28। अब इस 14 का डबल 28 आ गया। 28 के आगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और देखेंगे 2800 से कम हो, तो इसके आगे एक लिखकर और एक के साथ मल्टीप्लाई किया, 281 आया। अब 2800 में ज्यादा है, 8 के ऊपर करते हैं तो 2304 अभी भी ज्यादा है, 9 के ऊपर करते हैं 2606 आता है, अभी भी 2800 ज्यादा है। अगर 10 के ऊपर करते हो 28100 आता है, तो ये छोटा हो जाता है, ये ज्यादा होता है, इसलिए इसके ऊपर नहीं जाएगा 10 के ऊपर, ये 9 के ऊपर जाएगा। 28 के आगे 9 लिखा और 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 2601 यहां लिख दिया, 9 यहां लिखा और पॉइंट लगा के, क्योंकि यहां पॉइंट लगाया था, उसके बाद 2 2 0 के जुट लगाए थे, 0 यहां दी थी ना ये वाली, उसके बाद 9 लिख दिया। इसके बाद ऐसे ही जो बैलेंस आएगा उसके आगे 2 0 लेके आ जाएंगे हम। करते 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 हम इसका बहुत मिलियंस में रिजल्ट आता है, तो जो इसका आंसर है स्क्वायर रूट 224 का 14.9। ओके, थैंक यू वेरी मच।